मुजफ्फरपुर में महंगाई पर आस्था भारी 3 से 13 हजार तक में बिके चांदी के सूप, 700 रुपए में मिट्टी की हाथी। चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करने की पहल, मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में के 4-4 मेडिकल इंटर्न छात्र हेल्थ केयर के लिए एक एक गाँव के 40-40 परिवारों को लेंगे गोद। मुजफ्फरपुर में खूब बिक रहा बंगाल और मद्रास का केला, छठ पर्व को लेकर उत्साह के साथ हो रही खरीदारी। कैमूर जिले के बहेरी गांव निवासी बीएसएफ के जवान अवधेश सिंह यादव की त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान मौत, पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। समस्तीपुर में दूध सेंटर संचालक का मर्डर, सुबह सुबह सेंटर पर आए दो बदमाश, ना पूछा और दनादन 4 गोली मारी। पिता के श्राद्ध से पहले उठेगी बेटी की अर्थी, बहन के घर श्राद्ध का निमंत्रण देकर चाचा के साथ आ रहा था युवक, हादसे में तोड़ा दम। लोकसभा चुनाव को 2.5 साल लेकिन तैयारी अभी से शुरू, बिहार बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी में। राज्य के टैलेंटेड शिक्षकों की खोज शुरू, राज्य और जिला स्तर पर बनी कमेटी, शिक्षक पर्व के लिए 18 नवंबर तक शिक्षक जमा कर सकेंगे आवेदन। हाजीपुर में गंगा स्नान के लिए छठ व्रतियों की उमड़ी भीड़, छठ महापर्व नहाय खाय के साथ शुरू, घाट जाने वाले रास्तों पर जाम से परेशानी। हाजीपुर में हाईवे पर पलटी स्कॉर्पियो, महिला गंभीर, छठ महापर्व में घर आ रहे थे परिवार के साथ लोग, हादसे में बाल बाल बचे। 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू, मुंगेर से शुरू हुआ था लोक आस्था का महापर्व, छठ मंदिर में आज भी मौजूद है राम सीता के पद चिन्ह। आज से छठ महापर्व शुरू, गंगा नदी में स्नान कर व्रतियों ने मनाया नहाय खाय, पूजा अर्चना के बाद प्रसाद बनाना शुरू किया। बेगूसराय में गंगा घाटों पर उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़, व्रतियों ने स्नान ध्यान कर नहाय खाय का अनुष्ठान किया, गंगा जल लेकर लौटी घर। छठ करने वाले 31 पुलिस कर्मियों को मिली छुट्टी, मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने दी 9 से 11 नवंबर तक की छुट्टी, 3 दिनों बाद योगदान देने कहा। बेगूसराय में रिक्शा चालक को अपराधियों ने मारी गोली, घायल, 50 रुपए देकर किराए पर लिया रिक्शा, गोली मारकर छीन लिए 1500 रुपए। दमोह में हुआ शराब पीते पकड़ाया बीजेपी नेता, जिला आईटी सेल का है संयोजक, चकाई में 2 लोगों के साथ गिरफ्तार। नवादा में सनकी ने की पत्नी और बेटे की हत्या, पहले बीवी को मारा देखकर 3 माह का बेटा रोया तो उसका भी गला दबाया। नालंदा में अंधविश्वास से गई बच्चे की जान, सांप डसने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े परिजन, अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में मौत। शराबबंदी की पोल खोल रहे जाम लड़ाते अफसर, लकी जराय के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी लड़ा रहे थे जाम, अब सरकार तक पहुंचा मामला। बक्सर में चेन्नई से पहुंचा नारियल, कश्मीर से सेब, नहाय खाय के साथ आज से महापर्व छठ शुरू, 11 प्रमुख घाटों पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। सिवान जेल में बांग्लादेशी मुस्लिम कैदी भी करेगी छठ, कुल 21 महिला और 9 पुरुष रख रहे हैं व्रत, जेल प्रशासन बनवा रहा घाट। अररिया में लूटपाट करने में विफल अपराधियों ने चलाई गोली, गैरेज में काम करने वाला युवक गोली से घायल, प्राथमिक उपचार के बाद पूर्णिया रेफर। मुजफ्फरपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट, 3 घायल, गुटखा नहीं लाने पर 2 पक्षों में भिड़ंत, 1 पक्ष से महिला समेत 3 घायल। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, बक्सर से आए शख्स ने भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने की मांग की। रोहतास में स्नान के दौरान डूबा युवक, छठ घाट को लेकर चल रही थी सफाई, दोस्तों के साथ नहाने के दौरान गई जान। मधेपुरा में पोते ने दादी को मार डाला, खाना नहीं मिला तो दादी से विवाद करने लगा, गुस्से में धारदार हथियार से वार कर मार डाला। बक्सर पावर प्लांट के लिए 137.0077 एकड़ जमीन लेगी सरकार, अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 14 गांव के 309 किसानों की जमीन पर बनेगा रेल कॉरिडोर। गोपालगंज में सप्लायर गुड्डू शाह 7,50,000 के साथ अरेस्ट, जहरीली शराब कांड में 7 नामजद पकड़ाए, धंधे में लगे 150 से ज्यादा अरेस्ट। समस्तीपुर के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर विशाल लापता, 3 दिन पहले क्लिनिक के लिए निकले थे, वापस नहीं लौटने पर पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बैंक के अंदर घुसकर उड़ाए 2.5 लाख रुपए, मुजफ्फरपुर में एसबीआई के अंदर घुसे बदमाश, कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर के बैग में उड़ाए कैश। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।